Hey guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है रीना and thank you for joining. आज अगेन मैं आपके साथ में दो प्रोडक्ट के रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि है एक शैम्पू और एक है हेयर मास्क और ये है लॉरियल ब्रांड की तरफ से और ये बेसिकली इनकी एक्सटेंसो की रेंज है जो कि केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अभी आपने ट्यून इन किया ना मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब. वीडियो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे एंड जस्ट नेक्स्ट टू इट एक बेल आइकन आएगा, अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे मेरी सारी वीडियो से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले हम बात करते हैं लॉरियल प्रोफेशनल की एक्सटेंशो केयर शैम्पू के बारे में. सो बेसिकली इस तरीके की प्लास्टिक की बॉटल के अंदर आपको रिसीव होगा वाइट एंड ब्लू कलर का, यू नो बहुत ही एलिगेंट सी इसकी पैकिंग है. और इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 250 ml. और ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ऑनलाइन बाय ना करें क्योंकि लॉरियल के जितने भी यू नो प्रोडक्ट हैं ये सील पैकिंग के साथ में आपको रिसीव नहीं होंगे. अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हैं तो डुप्लीकेसी के चांसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन ना मिले, लेकिन चांसेस ज़्यादातर डुप्लीकेसी के होते हैं क्योंकि ऑनलाइन कुछ कह नहीं सकते हैं. और वैसे भी ये प्रोडक्ट जो है आपको सील पैकिंग के साथ में नहीं मिलेगा तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसे ऑनलाइन बाय करें. आपके पास में जो भी यू नो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो जो भी यू नो प्रोफेशनल सैलून है आपके घर के पास में आप वहाँ से जाकर इसे लें. तो क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो जो प्रोडक्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे वो एक्चुअली में ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है. सो गाइज ये जो पैकिंग है ये है 250 ml की और इसका प्राइस है 530 rupees. और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपको मिलती है 3 साल के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से. अब इस बॉटल की बात करें तो ये जो बॉटल है ये ओपन होती है इस तरीके से पप के साथ में और इस तरीके से बंद हो जाती है. यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है इस बॉटल को और ट्रैवल फ्रेंडली भी है. इसके अलावा पीछे इन्होंने बहुत सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. तो बेसिकली इसको यूज़ करने का तरीका इसमें बताया हुआ है कि आपको जो है अपने गीले बालों पे थोड़ी सी क्वांटिटी में शैम्पू लेना है. अगर आपकी वेस्ट लाइन की लेंथ है तो 2 tablespoons शैम्पू जो है वो काफ़ी होगा. और लेना है अपने बालों में, स्मूथली इसको अप्लाई करना है, बहुत अच्छा एक झाग क्रिएट होगा आपके बालों में एंड देन सिंपल पानी से आपको वॉश कर देना है. उसके बाद जो है सजेस्ट किया जाता है कि आपको जो है एक्सटेंशो केयर का ये मास्क इसको भी यूज़ करना है और इसको जो है स्कैल्प पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है. अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हेयर फॉल होगा. इसको सिर्फ लेंथ और एंड्स के ऊपर अप्लाई करना होता है ताकि स्मूथनेस जो है वो मेंटेन रहे और वॉल्यूम जो है वो भी मेंटेन रहे. तो सबसे पहले जो है ये जो शैम्पू है लॉरियल प्रोफेशनल का ये आता है प्रो कैरेटिन प्लस इंसेल के साथ में जो कि आपके बालों को बालों में जितना भी यू नो केमिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद जो ड्राइनेस हो जाती है ये उसको बेसिकली यू नो मॉइस्चराइज करता है और जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करता है आपके बालों को. इसके अलावा हमारे जो बाल होते हैं ना ये कैरेटिन जेल से मिलकर बने होते हैं. तो जब भी आप कोई केमिकल प्रोसेस कराते हैं तो एक नेचुरल बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है बालों का एंड देन उसके बाद जो है आपके बालों के ऊपर जो केमिकल होता है उसको सेट किया जाता है एंड देन दोबारा से बॉन्ड को जो है क्रिएट किया जाता है. तो वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गया. चाहे आप स्मूथनिंग कराएं, कैरेटिन कराएं, चाहे आप अपने बालों में कलर कराएं, तो उसके बाद जो है आपको एक इस तरीके का शैम्पू यूज़ करना होता है जो भी आपने केमिकल प्रोसेस जो कराया है वो लॉन्ग रन में रन करे. यानी कि आपके यानी कि अगर आपने अपने बालों के ऊपर कलर ट्रीटमेंट कराया है, रिबॉन्डिंग कराई है और वो बोल रहे हैं कि आपका ये प्रॉपर 1 साल तक चलेगा तो आपको शैम्पू और मास्क इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो उसकी मेंटेनेंस है वो प्रॉपर होती रहे. इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं कि क्या हमारे बालों में हेयर फॉल होगा. तो मैं आपको बता दूं जब से मैं ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मेरे बालों का जो हेयर फॉल था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है. यानी कि 20% मैं बोलूँ कि अभी हेयर फॉल है, जो पहले मेरा 70-80% तक होता था तो वो बहुत हद तक कम हो चुका है. और ये जो शैम्पू है ये बहुत ही यू नो टेक्स्चर वाइज बहुत ही स्मूथ और पतले टेक्सचर में आपको मिलता है. वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जेल टाइप आपको ये शैम्पू जो है मिलेगा. एक बार मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखा देती हूँ. ये कुछ इस तरीके से आता है टेक्सचर में, ये देखिए बहुत स्मूथ और पतला सा इसका टेक्सचर है. बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी आपके बालों के ऊपर इसकी यूज़ होगी और जब आप इसे अप्लाई करेंगे बहुत ही स्मूथली ग्लाइड करते हुए आपके बालों के ऊपर लग जाएगा और बहुत अच्छा एक झाग भी बनता है. जब आप बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और ऑसम सी इसकी फ्रेग्रेंस है. आपके बालों में
यू नो लॉन्ग लास्टिंग रहती है 2 दिन तक के लिए, और जो स्मूदनेस और जो शाइन ये प्रोवाइड करता है बेसिकली वो भी 2 दिन तक ही मेंटेन रहती है। तीसरे दिन अगेन आपको ऐसा फील होगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और आपको रिक्वायरमेंट है शैम्पू करने की। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये आता है प्रो कैरेटिन प्लस इंसेल के साथ में, और ये जो शैम्पू है ये एंटी ब्रेकेज एंड एंटी ड्राइनेस शैम्पू है। केमिकल ट्रीटेड हेयर जिनके होते हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि जो एक नेचुरल बॉन्ड होता है ना बालों का, उसको ब्रेक करने के बाद केमिकल से सेट किया जाता है एंड देन अगेन रीबिल्ड किया जाता है उस बॉन्ड को। तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरीके के शैम्पू और मास्क को जो है सलून से प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा मैंने इसको 3 से 4 बार अभी तक यूज़ किया है, और मेरे बालों का जो अगर मैं हेयर फॉल की बात करूँ तो बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर एक्सट्रीम लेवल पे मेरे बाल जो हैं ये ड्राई हो जाते हैं तो हेयर फॉल होता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई यू नो ट्रीटमेंट कराते हैं केमिकल बेस्ड, तो उसके बाद बालों की केयर आपको उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया है, नेचुरल आपके बाल हैं, तो उतना ज़्यादा केयर और उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लगती है। लेकिन हाँ, हम लड़कियाँ हैं, ऑफ कोर्स हमारा मन करता है कि हम भी अपना लुक चेंज करें, और यू नो कोई किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी को देखते हैं। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में मेरी काफ़ी सारी ऐसी फ्रेंड्स थी जिन्होंने हाइलाइटिंग अपने बालों पे कराई थी, तो मैं हमेशा इस चीज़ को टाल रही थी क्योंकि मुझे भी डर था मेरे बालों में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होगा। तो काफ़ी हद तक इस शैम्पू ने मेरे बालों के हेयरफॉल को जो है कंट्रोल किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक। और बेसिकली ये जो शैम्पू है ना, ये जो आपने ट्रीटमेंट कराया है इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ करते हैं वो 1 या 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो हेयरफॉल होगा ना वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए इस तरीके का शैम्पू जो है वो रिकमेंड किया जाता है। ये जो शैम्पू है बेसिकली इसके अंदर SLS है, बट ये पैराबिन फ्री है, इसके अंदर पैराबिन नहीं है। और इसके अलावा काफ़ी सारे केमिकल हैं जो आपके बालों को जो स्मूथनेस है वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि केमिकल ट्रीटेड हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो शैम्पू है ये ब्रेकेज को कम करेगा आपके बालों में से, रफनेस को कम करेगा और ड्राइनेस को भी कम करेगा। आप ने अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं भी कराया है और फिर भी अगर आपको लगता है आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, तो भी आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं इसके मास्क की। तो ये बेसिकली इस तरीके की वाइट कलर की प्लास्टिक की टब जैसी बॉटल के अंदर आपको मिलता है। इस तरीके से अगर आप इसे ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। प्रोडक्ट का जो थिकनेस की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी और थिक है, गिरेगा नहीं एकदम से ना अगर आप इसे लेते हैं। बहुत कम क्वांटिटीज प्रोडक्ट की यूज़ होती है आपके बालों में। ये बेसिकली इसलिए आपको दिया जाता है क्योंकि ये कंडीशनिंग का काम करता है आपके बालों के ऊपर। तो हमेशा जब आपको इसे यूज़ करने के लिए बताया जाता है तो इसे शैम्पू के बाद ही हमेशा आपको यूज़ करना है। बालों के स्कैल्प के ऊपर इसको बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इसे स्कैल्प पे गलती से भी लगा देंगे तो आपके बालों में जो है हेयर फॉल होने के चांसेस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। तो इसको जो है आपको सिर्फ लेंथ पे और एंड्स के ऊपर ही लगाना होता है, सो दैट कि आपके बालों का जो ये वॉल्यूम है ये उसको मेंटेन करता है, एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आने देता है। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी है 196 ग्राम, और इसका अगर जो प्राइस है वो है 630 रुपीज़, और 3 साल की इसकी भी आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। तो आराम से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहें तो भी आप मतलब स्लो पेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मास्क है ये तो आपका जल्दी ख़त्म होगा नहीं। हाँ, शैम्पू हो सकता है आपका जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन मास्क जल्दी ख़त्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है ज़्यादा है और अपीरेंटली बहुत ज़्यादा थिक है। जब आप इसे लेते हैं और अप्लाई करते हैं अपने बालों में तो थोड़ा सा थिक है और मॉइस्चराइज करता है आपके बालों को। 3 से 4 मिनट इसे अपने बालों पे लगा के रखना है, एंड देन उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप अपने बालों को जो है टॉवल से डैम करके ड्राई कर सकते हैं। आपको ड्रायर अगर आप मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप यूज़ करें, नॉर्मल तरीके से जैसे बालों को ड्राई किया जाता है उसी तरीके से आप ड्राई करें। और अब जो है मैं अपना जो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है दोनों प्रोडक्ट को लेके मैं आपको वो बताती हूँ। सो बेसिकली जब भी आप अपने बालों के ऊपर कोई भी कैरेटिन या स्मूदिंग या कलर का कोई भी ऐसा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग रन तक आपके बालों में स्टे करें, उसके लिए आपको इस तरीके की रेंज जो है सलून से आपको मिलेगी। ऑनलाइन भी आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑनलाइन मत लेना, जाके सीधे जो भी प्रोफेशनल सलून है वहाँ से इसे बाय करना। अगर आपने अपने बालों में कलर कराया है, आपको लग रहा है आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये बेसिकली उसको कंट्रोल करेगा। 1 या 2 बार के वॉश से आपको नहीं पता चलेगा कि आपके बालों में हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है या नहीं। आपको इससे कम से कम
वन मंथ तक आप इसे यूज कीजिए एंड देन फिर आप देखिए कि आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा, ड्राइनेस खत्म होगी, फ्रीजीनेस खत्म होगी। अब मैं आपको बताती हूँ अगर मैं बोलूँ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट जो मुझे लगे वो मुझे सिर्फ ये लगे, क्वांटिटी वाइज कम है प्रोडक्ट और प्राइस वाइज थोड़ा सा हाई है, और इसके अलावा जो जब भी आप इससे शैम्पू करते हैं या कंडीशनिंग मास्क को अपने बालों के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ दो दिन तक आपके बालों के अंदर मॉइस्चराइज आपके बालों को रखता है, मेंटेन करके रखता है और उस शाइन को भी जो है दो दिन तक ही मेंटेन करके रखता है। तो अभी जो है मैंने इसी से ही शैम्पू किया था और ये शैम्पू मैंने आज नहीं किया था, ये शैम्पू मैंने कल किया था और उसके बाद जो है इस मास्क को भी अप्लाई किया था। तो अभी आप देख सकते हैं टेक्सचर आपको दिख जाएगा, लेकिन कल तक जो है बालों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ड्राइनेस हो जाएगी, तो उसके बाद जो है मुझे इसे दोबारा यूज़ करना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो बिग इशू होता है ना कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं तो हम सबको ये डर लगा रहता है कि हमारे बालों में जो है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो हेयर फॉल के लिए क्या है कि एक तो आपको ये जो प्रोडक्ट मिले हैं एक तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, इसके अलावा आपको 15 डेज में हेयर स्पा लेना होता है अपने बालों के अंदर, तो वो चाहे आप घर पर ले लीजिए या आप कोई भी नेचुरल यू नो DIY कर सकते हैं हेयर स्पा का घर के अंदर ही, जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में, लाइक आप कर्ड लगा के अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, आप हनी वॉश कर सकते हैं, आप मिल्क वॉश कर सकते हैं अपने बालों को, तो उससे बालों के अंदर एक मॉइस्चराइजेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑयल की, तो जितने भी जो सैलून से जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं वो तो आपको यूज़ करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मिथिक ऑयल आता है एक लॉरियल प्रोफेशनल का, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो बेसिकली आपके बालों की टेक्सचर को मेंटेन करता है, स्मूथनेस को मेंटेन करता है और प्लस आपके बालों में अगर हेयर फॉल हो रहे हैं तो काफ़ी हद तक उसे भी कंट्रोल करता है। तो गाइज ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो दोनों प्रोडक्ट को लेके। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसे दोबारा बाय करना चाहिए तो येस ऑफकोर्स मैं इसे दोबारा बाय करूँगी, क्योंकि जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया अगर आप उसे मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके के प्रोडक्ट जो आपको आपके हेयर टेक्सचर के अकॉर्डिंग रिकमेंड किए जाते हैं सैलून से, इन्हें आपको यूज़ करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपके बालों में देखिए हेयर फॉल तो होगा लेकिन वो एक सीवियर इशू बन जाएगा आपके बालों में। आपने देखा होगा ना कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो हर 3 महीने में अपने बालों में हेयर कलर करते हैं लेकिन हेयर फॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उतनी ज़्यादा आपके बालों को केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी आपने कोई केमिकल प्रोसेस कराया अगर आप अपने बालों की केयर करते हैं तो हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कोई कमेंट है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।